गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक और अनदर ब्लॉग लेके। तो सच आज ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज अभी स्वागत समय सच आज ब्लॉग्स में स्वागत है, धन्यवाद स्वागत है। तो जी 7:30 हो गया है, 8:15 हो गया है और इन सो रही है और सुबह उठते फोन पर बैठ गए। हाँ जी, राम राम सभी को। आज पहली बार खाना खा, कैसे हो आप सब लोग? आज पहली बार मेरे को बिना खाते हुए देख रहे होगे आप, तो बड़ी खुशी हो रही होगी किसी को। तो मेरे को सच में बिल्कुल ऐसे चले जाते कि जी आज मैं बाहर खाना खा लेता तब खुशी होती, अब बना के छोड़ के जाओगे तो क्या खुशी होगी। तो ये देखो, ये दही आज भी लोया करके डाल रखे हैं और इसमें बना रखे घिया और दाल। और ये देखो जी चिल्ले का मतलब पूड़ा का आटा, पूड़ा बना रही हूँ मैं। और पूड़ा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज है हमारे गांव में मतलब मेला, शीतला माता और दादी मसानी का जबरदस्त मेला है। तो आज हमारे पूरे गांव में पूड़े बनेंगे, मतलब और भी सामान बनता है लेकिन पूड़े की धूप लगती है तो पूड़े बनते हैं, भंडारा वगैरह भी लगाते हैं। और पूड़े तो हर घर में मतलब पूड़े की धूप लगेगी तो मैं भी पूड़े बना रही हूँ। ये देखो तो मैं पूड़े बना के और घर पे अपने धूप लगा देती हूँ एक बार। तो होली के बाद बासड़ा के बाद इसके मेले की धूप लगती है। तो आज गर्म का ठंडा कोई दिक्कत ना, गर्म खाओ तो धूप लगवाऊँगी इन्नू साची को। तो इसकी दादी लगवा ले आई होगी, सुबह सुबह चले जाते हैं हमारे गांव वाले तो 5 बजे से ले 4 बजे चले जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। तो गाइज तो इन्हों सो रही है और तो मैं बना लेती हूँ फटाफट, फिर ये धूप लगा के चले जाएंगी। ये देखो जी, ये 5 छोटी छोटी पूड़ी बनेगी और एक पूड़ा बनेगा। तो ये देखो मैं बना रही हूँ, ये 5 पूड़ी बनके और एक पूड़ा बनके धूप लगवाऊंगी मैं और उसके बाद खाने के बनाएंगे फिर। तो धूप खानों का कैसे आ जाओ। कैसा लगे प्रसाद? बहुत बढ़िया बना है। तो ये इस प्रसाद इसका पूड़ा साथ है ना, ये घिया दाल बहुत मस्त लगा है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। हाँ, और ये दाल डाल के छोड़ दिया है घिया दाल। और ये है जो कि मैं टिफ़न के लिए डाल रही हूँ, तो ये खा लेंगे उधर। ये देखो जी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये बना रही हूँ मैं और ये खा रहे हैं। और इन रिवाजों को क्यों उठे नहीं अभी तक, ये देखो आज दूध आ गया है और बर्तन साफ कर रही हूँ और इनू टीवी देख रही है। बाल धोए हैं, मेहंदी लगाई को, कलर लगवा के को नहीं, देखो बाल कितने धोले हो रहे हैं। तो गाइस अभी बज गए हैं 10:40 हो गए हैं। वो अभी मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ पहले। और बस मैं ये एक टंकी ले जा रही हूँ, ये देखो और कुछ नहीं ले जा रही हूँ। और ये इन्नू का बैग कैरी कर दिया है मैंने, कपड़े तो मैंने इसमें डाले हैं बेटा, एक एक जोड़ी बस इसमें छोड़ो। देखो इसमें मैंने क्या डाला है, चार्जर अंडरवियर इन्नू की, और इन्नू के लिए देखो एक टॉफी का पैकेट डाला है छोटा सा, ये देखो, और बिस्किट डाले हैं और टिश्यू पेपर डाले हैं। तो ये चूड़ी पहले देखो, चुन्नी नहीं उड़ रही इसकी, इसका दुपट्टा है ना वो हैवी है थोड़ा सा, तो बाद में जाते हो लूंगी। और मैं पी लेती हूँ चाय। इनू क्या पिएगी तू? नींबू का पानी पियाऊं? हाँ।
तो आज दूध ले लिया मैं, क्योंकि इसके पापा पी लेंगे रात को और कल सुबह भी पी लेंगे, इसलिए मैंने दूध ले लिया आज मैं। कल टार कर देंगे, कल तो लेना ही नहीं है, कैसे टार ही कर देंगे। आज तो मैं गर्म करके ही, और ठंडा हो गया है, फ्रिज में छोड़ जाऊंगी। आज जा रही हूँ गाँव में, तो मैं साची को ले आने जा रही हूँ और साथ दो मरवाने जा रही हूँ इन्हों को। तो गाइज अगर ब्लॉग बना पाऊंगी तो बनाऊंगी क्योंकि वहाँ पे ससुराल है, थोड़ा सा हर जगह फोन लेके नहीं घूमा जाता। तो और अभी ये मलाई अगर आएगी ना तो भी इसके पापा ऊपर ऊपर की उतार के मतलब बोल दिया मैंने, मग्गा भर लेंगे। नींबू पानी बना के तू क्या? तो गाइस तैयार हो ली हूँ, थोड़ी चाय पी लेती हूँ, ये देखो, और फिर चलते हैं। सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी मैं सारा काम हो गया है और मैं निकलूँगी 11:15 बजे सवाई पे। तो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। चलो बंद कर, छोड़ दे इसको। तो इन्होंने अपना बैग लिया है, देखो इन्हों का छोटा मोटा सामान डाल दिया है। और गाइस ये मेरा फेवरेट बैग है। और मैं भी देखो तैयार हो लियो मेरा, और खाली ये लिया है, मैंने कुछ नहीं लिया, इन्हों का छोटा मोटा सामान इसमें डाल दिया। और गाइस सुनो, मम्मी इतनी प्यारी है, मेरे फेवरेट, जो भी अभी स्टिक। और टाइम दिखा देती हूँ मैं, देखो जी 11:15 हो गए पूरे, मतलब 11:05 हो गए। तो ये वाली जूती सही है थी ना? हाँ। तो ये मिल तो रहे। चलते हैं और दिखाती हूँ कुछ। तो लाइट वगैरह बंद कर दिया है जी। और मेरा सूट आपको कैसा लगा? बहुत दिन का रखा है तो आज पहनने का मौका मिला है मेरे को इसका। और ये सूट पहले मेरे आता नहीं था और अभी आने लगा, देखो बिल्कुल सही, बल्कि थोड़ा बहुत लूज ही है, ये देखो टाइट नहीं है, आराम से आ गया। पर ये सूट मेरा आता नहीं था। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ कॉमेंट करके बताना, देखो रुको एक बार बैठ गए हैं हम। तो यहाँ से पुलिस वो बस स्टैंड दूर है। मम्मा सुनो, आप ये ना इस तो भूल जाता ना, अगर भूल गए तो मैं याद दिला दूँगी। देखो भीड़, गुड़गांव में भीड़ देख लो भाई, घर से निकलते ही है ना इतना ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। क्या अभी वाटर मेलन दिखाएगी बैठ के यहाँ है? आते टाइम तो गाइज हम भिवानी जा रहे हैं और जाते ही हमें बस स्टैंड पे भिवानी वाली बस मिल गई है। और देख रहे हैं देखो साइड वाले की क्या कर रही है, और मैं कहीं भी वो लोग बढ़ाने लग जाती हूँ। तो गाइज गांव के मेले में यहाँ गुड़गांव से बहुत जने जा रहे थे गाड़ी लेके, तो इसके पापा कह रहे थे उनके साथ ले जा, तो मैं बच्चों के लिए नहीं जा रही थी कि उल्टी गिरेगी। और इनों की तो देखो यहाँ भी बस में भी उल्टी गिर रही है। तो इन्हों सो गई है अभी, थोड़ा सा रिलैक्स मिला है मुझे। पूरे रास्ते कह रही है मम्मी जी दुखी हो रहा है, उल्टी बहुत परेशान करते हैं दोनों बच्चे, साची भी रिन्नू भी, दोनों की उल्टी गिरती है। तो ये देखो सो गई है अभी तो ये।
झज्जर आ गया, झज्जर क्या आ गया, झज्जर झज्जर आ गया। पानी पी लो, पानी पियो, ठंडा पानी। तो ये आ गया जी हमारी भिवानी, देख लो ऐसी है भिवानी। और ये आ गया जी हमारा गांव। और ये देखो जी पहुंच लिया है अभी हम इसी टाइम, बस अभी उतरने वाले हैं। तो ये देखो जी ससुराल आ गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चाय पानी पीकर अभी हम आ गए हैं मेला देखने के लिए। और ये यहाँ से मैंने मोबाइल छोड़ दिया है जी, अभी सच्ची बनाएगी जो भी बनाएगी थोड़ा बहुत। तो ये है जी मेला, देखो झूले वूले लग रहे हैं। और शाम का टाइम है ये 6 बजे का, तो मेला भी लगभग ख़त्म सा हो लिया था और भीड़ नहीं थी, तो आराम से धूप वगैरह लगा रहा था। तो ये बच्चे बना रहे हैं, तो जी वीडियो को लास्ट तक देखना और खूब सारा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जय शीतला माता की जय, बाती मसानी। तो गाइज इस मेले की आन बान शान है कुश्ती, तो यहाँ पे कुश्ती का बहुत बड़ा वो होता है पार्टिसिपेट, और बहुत बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं। और ये देखो लड़कियों की और लड़कों की दोनों की कुश्ती होती है, और पूरे गांव की लेडीज यहाँ बैठी है और पूरे गांव के आदमी और बाहर के। और यहाँ पे कुश्ती करने के लिए राजस्थान, यूपी, मतलब सारे स्टेट से आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। बहुत कुश्ती दंगल होते हैं यहाँ पे, और 4 बजे से ले गए शाम को 9 बजे तक कुश्ती हो रही थी और गाँव के सारे लोग बैठे थे। तो मेला देखने में मुझे बहुत मज़ा आया, और हमने कुश्ती भी देखी थी यहाँ पर, और प्राइज़ भी बड़े बड़े दिए जाते हैं 21,000-51,000 तक के। तो ये देखो जी राजस्थान के लोग भी, चूरू का भी आ रहा था जो कि मैं माइक का है चूरू में, तो वहाँ के भी आ रहे थे कुश्ती करने के लिए। और जो कि हमारे इंडिया की आन बान शान गीता फोगाट और बबीता फोगाट दोनों बहनों की कुश्ती की हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुश्ती का मेन हिस्सा है इस मेले का। राजस्थान कुश्ती 1100 रुपए की, यही हो जाओ शुरू हो जाओ। भाई अब ये सारे बालिका सुन ले, 1100 के सबके हाथ मलवा दिए, और ये गुस्कानी का पहलवान विजय हुए, ये संदीप पहलवान है भाई दूसरी परली गुडाण का, सुनिए। शुभम पहलवान सांगा, गांव सांगा, सुमित पहलवान मास्टर हुसैन सिंह खड़ा द्वारका, द्वारका कुश्ती 1100 रुपए की, 1100 रुपए के इनाम ये स्कूल स्टाफ मास्टर अरविंद जी द्वारका और स्कूल स्टाफ उनकी तरफ से है ये 1100 रुपए के नाम। हम स्कूल स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद। और ये है जी मंदिर, और देखो यहाँ पे शाम के टाइम सब कुश्ती की तरफ बैठ गए थे, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और हमने आराम से धूप लगा ली थी। और ये इन्नू है और साची वीडियो बना रही है, और मैं और इसकी दादी पीछे हैं, ये देखो मैं ये रही। और ये देखो जी मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी बहुत लेडीज आती जाती रहती शाम तक, तो
वो भी कुश्ती में जो इंटरेस्ट है वो देखने के लिए शाम को आती है। तो ये है जी मंदिर अंदर का, ये देखो इतना इतनी भीड़ थी, तो अच्छे से तोप वगैरह लगाई थी हमने। ये है हमारी देवी गांव की, ये देखो ये रही, तो ये मैं हूँ, देखो मैंने घूंघट कर रखे ये देख लो। तो ये देखो, और ये धोक वगैरह लगा के, कुश्ती वगैरह लगा के बच्चे कह रहे हैं मम्मी हमें झूलना है, तो खूब सारे झूले आ रहे थे, तो अभी ये झूलने लग जाते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो बच्चे कम से कम एक घंटा झूलते हैं। तो ये देखो तो जी थक गए थे और बच्चों को बोले चलो बच्चों अब भाग लो, तो अभी मेरे हाथ में फोन देखो, तो धूप वगैरह लगा के वापस घर की तरफ आ रहे हैं और खाना पीना खाए थे। अभी मैं तो थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ, इसकी दादी सो गई, बच्चे टीवी देखने लगे। और सुबह खाना पीना खा के 12:15 बजे वहाँ से चल पड़ते हैं। तो बस स्टैंड के ऊपर आते ही हमें ये देखो बस मिल गई है और बच्चों ने फ्रूटी वगैरह ले ली है, तो अभी गुड़गांव की बस में बैठ लिए। और जी 5-10 मिनट के लिए झज्जर स्टॉप होती है बस, तो बच्चे सूसू कर आए और पानी वगैरह पी लिया है और खा पी लिया इन्होंने, और अभी 5-10 मिनट स्टॉप करके अभी बस चलती है झज्जर से गुड़गांव। एक ही बस में बैठते हैं पूरे रास्ते, तो चलते हैं जी। टाइम हो गया जी 6 बज गए और 4:30 बजे से आ गए थे, तो आके बच्चों को खा पिला के थोड़ी सी देर में आराम करने लग गई थी। देखो बैग तो भरे ही हैं सामान के, कपड़े लत्ते के, तो अभी मैं बना के लाई हूँ चाय, और चाय पी के मैं एक बार थोड़ा सा झाड़ू पोछा करूँगी, तो और चाय के साथ ब्रेड सेक के लाई हूँ और गोली लूँगी। और मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो मैं गोली लूँगी, आराम हो जाएगा, और फिर काम करूँगी, पर झाड़ू पोछा करूँगी। 2 दिन हो गए ना, कल आज ही नहीं किया सची, कल तो करके गई थी, तो आज नहीं किया, किरकिर सी हो रही, तो झाड़ू पोछा करूँगी, तो पहले मैं गोली ले लेती हूँ। तो गाइस आ गए थे हम, और कल के बाद शायद ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत सच्ची बढ़ाती हुई उतर तो बहुत बनाया, कपड़े लत्ते कल दूँगी, और बच्चे दोनों खा पी के खेलने चले गए हैं, तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय। तो गाइस झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया है, और दोनों बच्चों को है ना, दोनों बच्चों के बाल धो दिए हैं देखो, और सब्जी भी ले आई हूँ, ये सब्जी धोई नहीं है, और साची के बाल तो दिए दो, और वो अभी नहा रही है अच्छे से, वो नहा रही है, और धोने वाली सब्जी धो के रख दी है सारी, ये देखो, और बर्तन सारे साफ कर दिए हैं, तो अभी मैं इनको खाना बना के दे देती हूँ, कुछ खाएंगे तो। साची क्या खाएगी है? इसके भी बाल धो दिए गाइस, तो अभी राम राम गाइस, तो मैं बहुत दिनों बाद आई और मैं गांव चली गई थी 5-6 दिन के लिए, तो अभी दिन के लिए वो जल्दी बीते 15 दिन तक। तो कल स्कूल है दोनों का, और दोनों को अच्छे से मिला के खाली अच्छे से लग रहे, तो अच्छे हैं जो खाली, तो इन्हों को टमाटर बहुत पसंद है।
बहुत टमाटर खाए, टमाटर लिया ही मम्मी खाओ रे। चप्पल निकाल के मम्मी, वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि नू हमारे स्कूल में आ गई है ना। किसके? हमारे। हाँ। कल करवाएंगे इसका एडमिशन, हो जाएगा तो। कर लिए ना कपड़े? चलो ये रख दे, नहीं पहले तो सामने के आटा और सुखाया तो मटर और चुकंदर वगैरह और प्याज टमाटर आएंगे बाद में करूँगी। तो गाइस दो दिन हो गया वो लोग को लागे हुए और वहाँ पे तो वो लोग बनाया ही नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आती। रात को मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि कल है ना कल पूरे दिन की भूखे थे और फिर जाके है ना थोड़ी देर चाय पी के फिर मेरे को सिर में दर्द हो गया, मैंने खाना खाया नहीं और फिर रात को है ना हम सब बाहर का खाना खाया और वो खाना है ना मेरा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब गैस बना गया। मेले में घूम के हमने उधर ही खाया है कुछ, तो मेरी पूरी रात उल्टी गैस बोझी दुख पाया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो सुबह उठते हैं ना 7 बजे, गांव में तो है ना दुकान भी मतलब वो हो जाती है, दे देते हैं दवाई खोल के भी, यहाँ तो 7 बजे से पहले दवाई नहीं मिलती है ना 10 बजे से पहले, हॉस्पिटल वाले भी नहीं खड़े होते हैं। शहरों में तो यह हालत है और गांव में ना दुकान मतलब 6:30 बजे इसकी दादी गई थी लाने, तो 6:30 बजे उन्होंने गोली दवाई सारी दे दी। तो वह गोली दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा सा खड़ी हुई, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और सुबह मैं रोटी लेके और दवाई दुई लेके तब चली थी खाना खा के, और अभी इनको खाना खिला के और गोली लेके सोऊंगी फटाफट। इसके पापा लेट आएंगे तो मैं रख दूँगी लेके खा लेंगे अपना आप आज। तो गाइज मिलती हूँ कल एक और अंदर लोग के साथ, तब तक के लिए साथ से बाय गाइस, तब तक के लिए गुड नाइट। दोनों के बाल धो दिए हैं देखो, सुबह भागा दौड़ नहीं बचेगी, सुबह स्कूल है। अच्छे सारे के मैं हाँ। वैसे साची काली नहीं हो रही, गोरी हो रही है, मोटी भी हो रही है ना। कितना कह रहे थे कौन एक दो साइड वाली जो बुआ जी है ना, वो कह रही थी मोटी हो जाती थी गाँव जाके मोटी हो गई है सच्ची और गोरी भी हो रही है। यहाँ पे है ना स्कूटियाँ ऊपर है जाम में फंसे रहे आधा आधा दिन। तो गाइस मिलती हूँ कल एक और लोग के साथ, तब तक के लिए बाय।